कश्मीर जाएगा। अरे 400-500 किलोमीटर में ऐसा हो रहा है, तो कल के रास्ता के बीच तो मैं आगे चला गया, फिर वापस भी नहीं जा सकता। तो मोरी गोल नो ये लिखा है मुना नहीं पुना। वो रास्ते पे पूरा नेकेट पड़ा हुआ था। दिल घबरा रहा है मेरा, क्यों पता मर गया लगता है। जी थैंक गॉड कोई तो आया है, अभी एम्बुलेंस आई है। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज टाइडर पूनम फ्रॉम असम। नमस्कार गुरमुख सदों। सो गाइज अभी मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। एक्चुअली आप लोगों को थंबनेल लेके तो पता चल ही गया होगा। सो येस गाइज, मैं मेरा बाइक मतलब थोड़ा बहुत कुछ सामान लगाना है, जिसके ऐसा होता ही है, राइड से पहले मुझे कुछ सामान वगैरह लगाना पड़ता ही है बाइक पे। सो यही खर्चा है सबसे पहले। एक्चुअली मैं थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, मेरा सैडल बैग और टॉप बॉक्स मैं चेंज करना चाहती हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरा सैडल बैग थोड़ा फट गया है। मैं फिर से लंबी राइड पे जाने वाली हूँ, तो राइड के लिए प्रिपेयर करेंगे थोड़ा, क्योंकि अब बारिश है गुवाहाटी में, आजकल बारिश चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे को बहुत जल्द निकलना था, आज ही निकलना था लेकिन नहीं हुआ, बारिश की वजह से मैं नहीं निकल पाई। काम मतलब डिले होते जा रहे बारिश की वजह से। बाइक सर्विसिंग मैंने कल कर दिया था, तो आज भी मैं थोड़ा बहुत सामान लगाने जाऊंगी। क्या सामान लगाएंगे, कहाँ से लगवाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मिलते हैं आपको मोटर ब्लॉग पे, लेट्स गो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मोटर ब्लॉग। सो गाइज, मैं कल पूरा मतलब बाइक सर्विसिंग करके पूरा आ गए, पम्प वगैरह सब कुछ सही है, टायर भी सब कुछ सही है, और सब कुछ मैंने चेक कर लिया है, बस ये मीटर बॉक्स का कुछ ठीक करना था। सो अभी टाइम हो गया है 2:30 हो चुके। सो अभी बाइक निकालते हैं फटाफट और चलते हैं। बारिश की वजह से पूरा गुवाहाटी डूब गए हैं। मैं आज चप्पल पहनी हूँ, चप्पल पहनना बहुत रिस्की है, लेकिन मैं आज पहन के जा रही हूँ क्योंकि बारिश है ना, इसलिए जूता पहनना चाहिए था, बट स्टिल कोई ना, लेट्स गो। अभी शुरू होना था क्या बारिश, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा अभी। मुझे ना कैमरा, एक बार गलती तो मैंने कर दी है, कैमरे पे पानी घुस के मेरा हीरो 9 तो ख़राब हो ही गया, अभी मुझे ये नया कैमरा भी मतलब ख़राब करने का मन नहीं है। और ऐसे बारिश में और ऐसे मौसम में राइड करना बहुत मतलब मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी भी नहीं होती है, इसलिए बहुत मज़ा आता है। लेकिन क्या बताऊँ आपको क्या होता है, बारिश में ना मैं मोटर ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, इसलिए टेंशन है, वही है बारिश में तो वही है ना गाइस, भगवान सब कुछ देता है लेकिन एक कमी हमेशा सबको देती है, तो वही है। मैं जा रही हूँ, ओबियसली आप लोगों को पता चल ही जाएगा वहाँ पे, पहले भी मैं जा चुकी हूँ एक्सेसरीज एक्स्ट्रा बाइक का सामान लगवाने के लिए, वही गए थे, अभी फिर से मैं वही जा रही हूँ। और वहाँ पे क्या क्या मिलता है इस बार मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी वहाँ पे क्या क्या मिलता है। और बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, मैं बस आप लोगों को बता सकती हूँ कि वहाँ पे ये मिलता है वो मिलता है, मैं बस दिखा सकती हूँ, लेकिन प्राइस तो आप दुकानदार से बात करने से हो जाएगा। और अगर आप लोगों को बाइक एक्सेसरीज कुछ चाहिए तो सो वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज। और मैं अभी आज एक दो सामान लगवाना है, ज़्यादा नहीं, बस एक दो सामान लगवाना है बस। और मौसम कितना अच्छा है, ठंड लग रही है भाई, वैसे तो नॉर्मली गर्मी लगती है। जी हाँ, ऐसे ऐसे राइडर पूनम ये लिखा है, मुना नहीं पूनम, पूनम इधर। थैंक यू। कौन फोन कर रहा था। अभी मैं लोकेशन पहुंच चुकी हूँ और बारिश दे रहे इधर, और मैं यहाँ पे बाइक को चढ़ा देती हूँ थोड़ा। मैं आ चुकी हूँ अपना लोकेशन डेस्टिनेशन कोटराखीम, इधर ठीक है, इधर ही रख देती हूँ। हेलो भैया जी, कैसा है? अच्छा। तो गाइज मेरे सामान आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी ये पेनियर्स वगैरह लगवाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं, एंड मेरा बाइक पे अभी लगने वाले हैं, इधर देखते हैं क्या होता है। मैंने 45 लीटर वाला चूज किए हैं, और भी है 25 लीटर का भी है छोटा वाला, लेकिन शायद मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे बड़ा वाला सब लगाऊंगी अभी, ये देख सकते हैं इधर गाइज। मैं ये हेलमेट देख रही हूँ, डर्ट हेलमेट मुझे चाहिए था, पता नहीं क्या करूँ, लेकिन व्लॉगिंग में लॉन्ग राइड में तो अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल मुझे पसंद आ रहा है कलर, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ओह नाइस, ये डर्ट हेलमेट अच्छा लग रहा है, वो एडवेंचर लोग मिली रंगना है।
बाइक वालों के लिए मेरा एडवेंचर का साथ ये मैच करता है, डार्ट बाइक डार्ट हेलमेट बहुत मैच करता है। ये तो बैंड होइसे नेकी बारो ऑल ऑफ नो हुआ हुआ टाइप लगी ऐसे बैंड हो ऐसे ओकमान नहीं नहीं दी। अभी काम चालू हो चुके हैं और यहाँ पे और एक बाइक आए हैं BMW का। इसको ये ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, पीछे जा रहा है इससे, इसको थोड़ा आगे करना है। वो भैया करके देंगे, पता नहीं कैसे, देखते गाइस कैसे करते हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं टेंशन में थी कि नहीं हो पाएगा क्या सोच के, लेकिन भैया बोल रहे कि हो पाएंगे ना भैया एकदम। ये मिलने आए हैं ऋषि, हाय अमित तौलक ऋषि आए हैं मिलने। और क्या गाइस अभी काम चालू है फिलहाल, आपको साथी लोय लोय काम चली ऐसे। बारिश है फिर भी काम रुकना नहीं चाहिए है ना काम रुकना नहीं चाहिए जितना भी बारिश हो। ऐसे छाता वाता ले के अभी, वाह गाइस जैसे छाता वाता लेके हम काम करेंगे अभी इधर। सैडल्स के सब कुछ निकाल दिए हैं, ट्रायल करते हैं ठीक है। कैसे करना इधर? अच्छा नीचे वो गाइस काम ऑलमोस्ट हो रहा है। ये साइड का सेडल से लग गया है, ये दूसरे साइड का लग रहा है, और ये दोनों बॉक्स लगने वाले हैं दोनों साइड पे। और ये है हमारे एक मोटोक्रेस ओनर भैया, जो कि खुद बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है फेमस। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं बस मैं यही बोलूंगा, अगर आपके पास मोटो है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है हाँ। तो आप हमें जरूर याद करें, बी एनी मोटरसाइकिल एनी स्कूटी, हमारे पास ऑलमोस्ट सारी एक्सेसरीज है हाँ। NCR है, सर्विस भी। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा इतना बारिश में भी इतना काम कर रहे थे सब लोग यहाँ पे। सो अच्छा लगा यहाँ का सर्विस, एंड आप लोग भी जरूर विजिट करना यहाँ पे। एंड और क्या क्या है मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों का ऐसे मिल जाएंगे, फोक लाइट्स वगैरह सब कुछ है, जो भी आपको एक्सेसरीज चाहिए यहाँ पे मिल जाएंगे। जॉज है, बहुत कुछ है, गियर लीवर, हेलमेट, एवरीथिंग आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। हो चुके हैं एंड अभी बाइक निकालते हैं। बहुत ही ह्यूज लग रहा है, हाय बाल लगे लोग, बाय ओके बाय बाय। सो गाइस बैग मैंने लोड कर दी है अभी बस, और इस बार ये है मेरा फाइनल लुक जो कि मैंने पेनियर्स वगैरह लगाए हैं यहाँ पे। खुलेगा तो नहीं ना, हाय हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग। और सो आज ही मेरा राइड का फर्स्ट डे, सो घर से जल्दी जल्दी निकलते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 7 AM और पैक करते करते मतलब ऐसा लेट हो गए हैं, बट अभी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, अभी सीधा निकलते मोटो ब्लॉक में हम लोग बात करते करते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने सारा सामान मैंने नीचे लोड कर दिए हैं, फटफट से मैंने लोड कर दिया, और अभी बस मेरे को हेलमेट, राइडिंग जैकेट एंड मेरा टैंक बैग वगैरह लेके जाना है, अभी नीचे पहन के जाना है। आउटफिट ड्रेस क्या ही दिखाओ आप लोगों को, सेम ही रहता है हमेशा, मिरर थोड़ा सा मतलब गंदा है, सो धूल धूल लग जाता है इतना जल्दी, पता नहीं साफ़ करती हूँ फिर से हो जाता है, डेली साफ़ करना पड़ता है मिरर। सो वही है गाइज, अभी क्या ही मैं आप लोगों को क्या ही मेरा ड्रेस दिखाऊँ, सेम ही होता है। ये जर्सी मैंने लुक माई फैशन से मैंने ख़रीदा है, और ये कवच का मैंने पहना है जो कि सुरक्षा ने मेरे को गिफ्ट दिए थे, वही मैं पहन के जा रही हूँ अभी। सो इस राइड पे बहुत लंबी राइड होने वाली है, जो कि आप लोगों ने थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा ऑब्वियसली। सो या गाइस लेट्स डू दिस, एंड मुझे सपोर्ट करना सब लोग, और मुझे सपोर्ट करना और आप लोग लाइक मुझे कमेंट करना, विश करना, विश मी लक। सो लेट्स गो। हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मोटो व्लॉग। अभी चलते हैं, और यहाँ पे तो इतना स्पेस ही नहीं है। ईश्वर गणपति बप्पा मोरिया हर हर महादेव जोया योखम मिसिंग रेगाम उड़ोय, लेट्स गो। फाइनली गाइस इस बार और बहुत लंबी राइड होने वाली है, सो लेट्स गो। मेन रास्ता पहुँच चुकी हूँ, हाईवे नहीं पहुँचा, बस ये काहलीपारा रास्ता होके मैं जा रही हूँ, यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है इसलिए मैं यहीं से जा रही हूँ, सीधा लोखरा निकलता है यहाँ से इसलिए मैं यहीं से जा रही हूँ। और आज लगता है बहुत कड़ी धूप देगी, यहाँ पे तो ऐसा ही चल रहा है एक्चुअली, सुबह धूप शाम को बारिश ऐसे ही चल रहा है कुछ।
तो अभी मैं ना बहुत दिनों से मैं दूसरा हेलमेट पहन रही थी, हल्का वाला एक हेलमेट पहन रही थी, और अभी मैं पुराना वाला हेलमेट पहन के जा रही हूँ। थोड़ा हेवी हेवी फील हो रहा है, क्या होता है देखते हैं। क्या होता है पैसे का पैसे, ओ पैसे का पैसे से याद आया मुझे, मैं ना बहुत पागल इंसान हूँ सच में। सच बताओ तो मैं बहुत पागल हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक रुपए भी कैश नहीं है। जी पे हर जगह कहाँ ढूंढते रहूँगी मैं कैश, मतलब थोड़ा बहुत था मेरे बैग में रह गया, पर्स में रह गया। मैं कल रात को मुझे याद आया था, ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं कल सुबह रख दूँगी बोल के, फिर अभी मैं भूल गई। देखो इतना सारा सामान क्या क्या मैंने पैक किया है, मतलब कपड़ा तो मैं उतना लेके नहीं जा रही, ठीक है, दूसरा कुछ कुछ सामान है उसमें से, उसमें ज़्यादा फुल हो रहा है। बैग में, सैडल बैग में ज़्यादा स्पेस होता है, उधर मैं बहुत सारा कपड़ा रख सकती हूँ, यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जैकेट एंड स्वेटर्स मैंने रखी है क्योंकि ठंडी जगह पे जा रहे हैं ना हम लोग। सो फाइनली गाइस, आज है डे वन, असम टू कश्मीर, कश्मीर टू कन्याकुमारी, एंड वो भी सोलो। गाइस हो पाएगा मेरे से? आई होप कि हो पाएगा, कोई ना गाइस, अगर आप लोग साथ देंगे तो ज़रूर हो पाएंगे। और अभी लाइक कश्मीर एक्चुअली क्या है ना चीज़, तो कश्मीर पहले कश्मीर जाते हैं फिर बाकी का बाद में बताएंगे। और मेरे साथ और दो लेडी राइडर्स जा रहे हैं, एक को तो आप लोग पता ही है ऑब्वियसली कौन जाते हैं मेरे साथ, और गेस्ट कर सकते हैं आप लोग कौन है, और जल्दी जल्दी कमेंट में डालो कि कौन जा रहे हैं मेरे साथ। और एक तो मैं आप लोगों को उधर दिल्ली पहुंच के मिलाऊंगी किसी से, और वही है गाइस, अभी कश्मीर जाएंगे पहले हम लोग फिर बाद में। और आप लोग सोच रहे होंगे ये सोलो कैसे हुआ, मैं तो यहाँ से तो सोलो ही जा रही हूँ, फिर उधर से बिहार से या तो दिल्ली में हम लोग मिलेंगे, एक साथ होंगे बिहार या तो दिल्ली में एक साथ हम लोग होंगे, फिर उसके बाद हम लोग कश्मीर जाएंगे, वो दोनों सिर्फ कश्मीर तक ही जाएंगे। मैं तो पूरा साउथ ईस्ट बार, मतलब बहुत सा, मतलब ये साइड में बहुत ज़्यादा हो गया है, लद्दाख वगैरह बहुत सारा, कश्मीर है ना, ये साइड में पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन क्या है ना अभी कश्मीर बहुत सुंदर हो, अभी कश्मीर बहुत सुंदर है, तो इसीलिए, और मुझे बहुत कश्मीर जाने का मन है। लास्ट टाइम मैं जब लद्दाख गई थी तब मैं कश्मीर उतना घूम नहीं पाए थे, इस बार हम लोग अच्छे से घूमेंगे गाइस कश्मीर। सो गाइस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, और आप लोगों को भी दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं कमेंट में बताना ज़रूर। इस बार धमाकेदार वीडियो आने वाला है, कहाँ कहाँ जाएंगे भाई, बहुत लंबी राइड होने वाली है इस बार तो। और या फाइनली मैं निकल ही चुकी हूँ, आखिर कब से वेट करते करते फाइनली मैं निकल चुकी हूँ। तो वही है, अभी मैं लोकरा पहुँच चुकी हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, और सुबह अभी 7 बज गए हैं, 7:10:20 ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं ना अभी यू टर्न लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ, मतलब वहाँ पे कुछ देखा मैंने, लाइक आई डोंट नो, एक इंसान पड़ा हुआ है वहाँ पे, लाइक टोटली नेकेड पड़ा हुआ है एक इंसान वहाँ पे, मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा था। ओहो मैं तो रॉन्ग साइड पे जा रही हूँ, सॉरी 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 यार, अभी क्या करूँ, ये साइड से ही मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक इंसान पड़ा था, इंसान है या औरत है मुझे पता नहीं यार, वो रास्ते पे पूरा नेकेड पड़ा हुआ था, और मुझे रहा नहीं गया, लाइक मुझे देखना है वापस, तो फटाक से मैं बाइक भी नहीं रोक पाई, और कोई भी नहीं था उसको उठाने के लिए भी या ऐसे कुछ, पता नहीं यार, कोई तो उठा रहा होगा अभी तो। मैं वापस जाके एक बार देखती हूँ क्या होता है, दिल घबरा रहा है मेरा, क्यों पता नहीं, मतलब यार क्या हुआ होगा उसको, मतलब पता नहीं, जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाइक से बस क्रॉस करके आ रहे थे और कोई भी नहीं उठा रहा था उसको, मुझे लगता है वो मर गया लगता है भाई, या बेहोश हो गया या तो मर गया लगता है। ओहो মরি গল ন তাকে সাবলে কোনো মানুহ নাছিলে যে
তাকে ঘুরি আহিলো এফালৰ পৰা ঘুরি আহিলো তাকে সাবলে কোনো মানু নাছিলে যে আচ্ছা ওকে ঠিকে ভাই यार थैंक गॉड कोई तो आया है अभी एम्बुलेंस आई है पिक करने के लिए थैंक गॉड यार मैं क्या ही कर सकती आप लोगों ने देखा ना हो गॉड अभी एम्बुलेंस आया है थैंक गॉड रेस्ट इन पीस कोई मतलब उसको पूरा थोक के चला गया है पूरा एक्सीडेंट हुआ है उसका बेचारा सुबह तो कोई नहीं था उसको देखने के लिए मैं जब आई थी तब कोई नहीं था अभी पुलिस वगैरह आ गए हैं और मुझे पहले ही पुलिस को कॉल कर देना चाहिए था उधर रुक के मैं उधर आगे जाके मैं यू टर्न लेके आ गई वहाँ पे मतलब कोई गाड़ी उसको ठोक के चला गया पूरा खून पड़ा हुआ है एक्सीडेंट हुआ है किसी ने तो ठोका है उसको रात को मतलब अनजाने में ठोका होगा या तो ऐसे कुछ पता नहीं यार गाइस इतना बुरी तरीके से उसका डेथ हो गई है गाइस प्लीज़ आप लोग भी अगर रात को ऐसे गाड़ी चलाते या कुछ ऐसे करते तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे मत करना अच्छे से देख के गाड़ी चलाना ज़्यादा स्पीड चला तो सब सकते हैं लेकिन भाई ऐसे मत करना किसी की जान जाती है और कोई ने तो उसको ठोक के तो चला गया इससे वो मर गया मरा पड़ा हुआ है वहाँ पे यार मैं ऐसे टोटली ऐसे राइड करके जा रही थी फिर लाइक ऐसे देखा तो इंसान ओ माय गॉड इंसान को ऐसे कोई ठोक के कैसे भाग सकता है यार ओ माय गॉड वो भी हॉस्पिटल वगैरह तो लेके जाना चाहिए था ना उसको एटलीस्ट कौन था वो तो पता नहीं मुझे कौन ठोक के चला गया अभी एम्बुलेंस वगैरह कॉल करूँगी सोच के मैं वापस घूम के आई बट कोई ना गाइस उसका दिन यही थगी था इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है ना कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है उसका डेथ ऐसा ही लिखा था होगा तो क्या बताओ गाड़ी चलाना नहीं आता है क्या लोगों को कैसे चलाते अभी तो मैं पूरा मुझे उड़ा के भाग जाते ये लोग साला ये आगे इनोवा देख रहे हैं ना ये कार ओवरटेक करना है दो गाड़ी है दिखाई दे रहा है एक गाड़ी तो टर्न ले रहे सो पहले मुझे जाने देने से क्या जाता है उनका सीधा मेरे सामने आ गए भाई ओवरटेक कर रहे इतना क्या जल्दी है इसका बैंक दिमाग खराब हो गया इन लोगों के वजह से एक्सीडेंट होता है चूतिया ड्राइवर्स लोग की वजह से इतना जल्दी क्या है उन लोगों को एक सेकंड भी नहीं रुक सकता है क्या खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा ये साला दूसरों को भी मरवाएगा ये लोग ऐसे दोनों तरफ ट्रक है और बीच में मैं ऐसे हूँ फिर उनको भी यहाँ से ही ओवरटेक करके जाना है फिर से कुछ कांड हो गया मेरे साथ भाई मेरा दूसरा फोन लेके ही नहीं आई मैं क्या लड़की हूँ भाई दिमाग खराब हो रहा है अभी है ही नहीं यहाँ पे मेरा फोन देखो इधर फोन भी नहीं है बाकी सब सामान है लेकिन फोन नहीं है इधर किधर रख दिया मैंने फोन सुबह सुबह इधर तो कहीं पे तो रखा था फोन ही लेके नहीं आई अभी मैं यहाँ पे कोई कहीं पे भी पेमेंट भी नहीं कर सकती मेरे पास कैश भी नहीं है फोन भी नहीं है कैसे हो सकता है कैसे भूल सकती हूँ मैं दिमाग खराब हो रहा है अभी मेरा फोन भी नहीं मिल रहा है मुझे सो गाइस दिस इज माय ब्रेकफास्ट अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ एंड अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 9 मेरा फ़ोन तो नहीं है मेरे पास अभी मैं पेमेंट घर से मेरे को मतलब पेमेंट करने के लिए बोलना पड़ेगा मैं अभी ब्रेकफास्ट करके निकल चुकी हूँ अभी मेरे को ढूंढना है बाइक सर्विसिंग सेंटर क्योंकि मेरे को ऑयल लगाना है चेन पे ऑयल लगाना है फोन भूल के आ गई मैं तो उधर ही मेरा जीपे वगैरह सब कुछ है अभी क्या करूँ घर से मैंने जीपे करने के लिए बोला था यहाँ पे काउंटर में जो बंदा था उसने मेरे को हेल्प किया कि उसने मेरे को 1000 रुपीज़ दिया फिर जीपे कर दिया उसको मैंने घर से बोला कि जीपे करने के लिए और वहाँ पे खाने का पैसा भी मैंने दे दिया है अभी ऐसे चलना पड़ेगा फिर सिलीगुड़ी में वो करेंगे मेरे को सिलीगुड़ी में लाइक फ़ोन भेज देंगे मुझे आज रात बस में या तो कहीं पे मेरे को फ़ोन भेज देंगे आज कैसे भी करके तो वो फ़ोन मिलने के बाद ही मेरे को कल राइड पे निकलना पड़ेगा पेट्रोल 500 का भर लेते क्योंकि पेट्रोल नहीं है मेरा इंडियन ऑयल से भर लेती हूँ मैं एक्सपी किधर है एक्सपी 95 भरूंगी मैं इधर एक्सपी है नहीं है इधर नॉर्मल वाला ही भरती हूँ यहाँ से सिलीगुड़ी
374 किलोमीटर दिखा रहे हैं। बोंगाईगांव तक 114 किलोमीटर है अभी, जो कि यहाँ से नौलबारी जाते और इधर पुलिस वाला रोकने को बोला है दोनों तरफ ही, तो रुक जाते हैं इधर। नौलबारी में कभी गया नहीं हुए, एक दिन तो जाना पड़ेगा घूमने के लिए। लाना भूल गई ना इस... अच्छा टीवीएस का चेन स्प्रे लाना भूल गई। आप लोग ऐसा मत करना क्योंकि चेन बहुत ही गर्म हो चुके हैं। देखो क्या हाल हो चुके हैं, चेन का ड्राई हो चुके हैं बहुत। जी डबल स्टेन नहीं है तो मैं थोड़ा बैन कर देती हूँ ऐसे। हो गोल थैंक यू क्या दिम ने मैं गुवाहाटी इतना कश्मीर। थैंक यू सो मच गाइस, टीवीएस शोरूम में आके मैं ऑयल डलवा रही हूँ। सिलीगुड़ी से खरीदना पड़ेगा एक चेन स्प्रे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, आप लोग चेन स्प्रे कैरी करना ज़रूर। अगर लॉन्ग राइड जाते हैं तो चेन स्प्रे खरीद के लेके कैरी करके घूमना ईजी हो जाते एवरी 200 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स ऐसे ऐसे में आप लोग चेन स्प्रे लगा के जा सकते हैं 200-300 किलोमीटर्स ऐसे में। आप कहाँ ऐसे दुकान ढूंढते रहेंगे, मुश्किल होता है, इसलिए बेटर है चेन स्प्रे लेके घूमो। भयंकर वाली नींद आ रही है, क्या बताओ आपको, धूप देखो और नींद इतनी ज़्यादा है। मैं तो सोने वाली थी बाइक के ऊपर ही, फिर मैं रुक गई जैसे जैसे करके, मैंने ये दुकान देखा मुझे तो रुक गई मैं। और अभी रेडबुल पी रही हूँ यहाँ पे, इतना ज़्यादा धूप है और नींद बहुत ज़्यादा लग रही है, तो पता नहीं क्या होगा। अभी रेडबुल पी के ख़त्म करके फिर से जाते और क्या। जब भी आपको नींद आती है ना तुरंत रुक जाना गाइस, ठीक है, बहुत डेंजर है। आप बाइक चलाते चलाते पता ही नहीं चलता है कब सो जाते हो, ऐसे बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। आप लोग जब भी नींद आता है ना तुरंत रुक देना कहीं पे भी। रील तो मैं डेली डालूंगी, फिर व्लॉग में थोड़ा लेट से डालूंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, फिर गोप्रो से ट्रांसफर करो फोन में, फिर एडिट करो, ऐसा टाइम लगता है। सो प्लीज गाइस पेशेंस रखना आप लोग और वीडियो जरूर देखना, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इस बार, थोड़ा अलग होने वाला है। पहले में तो हाँ मैं तो सिर्फ पहाड़ एरिया पे जाती हूँ, है कि नहीं गाइस, आप लोग बोलो, सिर्फ पहाड़ पहाड़ पे जाती हूँ। सो इस बार पहाड़ भी जाएंगे, प्लेन एरिया भी जाएंगे, बीच भी जाएंगे गाइस, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब इस राइड पे, इस वीडियो में नहीं सॉरी, इस ट्रिप पे, इस सीरीज पे कैसे जाना है क्या जाना है मैं आप लोगों को सब दिखाती जाऊंगी। अगर टाइम जब मैं नेपाल गई थी आप लोगों को मैं ना बजट वाला वीडियो दूंगी बोल के दिया ही नहीं, सो वो भी मैं आप लोगों को एक दिन तो दूंगी, ठीक है, एक दिन तो मैं आप लोगों को वो वीडियो बना के दूंगी। टाइम ही नहीं मिला मुझे और मैं कितना आलसी हूँ भाई, ऐसे नॉर्मल व्लॉग ही एडिट करने में मुझे बहुत आलसी लगता है। सो वही है, सो मैं बताऊंगी और इस सीरीज पे आप लोग मेरे साथ बने रहना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि एक दिन में मेरा कितना खर्चा हुआ, पेट्रोल का कितना खर्चा हुआ और ये सब सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसे तो एक्सपेंस मेरा ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है, जितना नॉर्मल बजट होता है उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है मेरा। लड़कियों का हमेशा ऐसा ही होता है, हम जितना भी लड़की लोग राइड करते हैं कहीं ना कहीं जाके सामान तो उठा ही लेते हैं, कपड़ा तो बोलो ही मत खरीद ही लेते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों का ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। अच्छा वाला सेफ वाला होटल देख के रहना पड़ता है क्योंकि बोल नहीं सकते ना गाइस। अभी मैं यहाँ से खाना वाना खा के निकल रही हूँ, यहाँ से अभी सिलीगुड़ी 230 किलोमीटर, अलीपुर दुआर 67 किलोमीटर। सो अभी टाइम हुआ है 230, पेट्रोल मैंने फुल कर दिए है और अभी चलते हैं। अभी ये 230 किलोमीटर कितना टाइम में पहुंचेंगे पता नहीं। तो गाइस मैं अभी बेघर हो के ऐसे रुकी हूँ रास्ते के बीच में, ऐसे बैठी हूँ नीचे और मेरा बाइक इधर है, क्योंकि सीन ये है इतना ज़्यादा धूप है, प्लस मेरे को इतना ज़्यादा नींद आ रही है ना क्या बताऊँ, बाइक चला ही नहीं पा रही हूँ, मेरा आँख ऐसे छोटा छोटा होते जा रहे हैं, इतना छोटा होते जा रहे हैं, मेरा आँख वैसे भी छोटा ही है फिर भी और छोटा होते जा रहे हैं। तो मैंने फटफट से निकाल के, मेरे हाइड्रेशन बैग से पानी निकाल के मैंने मुँह धोए, फिर थोड़ा यहाँ पे मैं रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और यहाँ से फुलबाड़ी, मैं आज सिलीगुड़ी नहीं पहुँचूंगी, फुलबाड़ी में रुकूंगी, तो सिलीगुड़ी पहुँचने से पहले फुलबाड़ी पहुँचता है, तो मैं फुलबाड़ी में रहूँगी।
यहाँ से फुलबाड़ी और 180, 186 ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर्स है। तो या थोड़ी देर बैठ के निकलेंगे यहाँ से। 450 किलोमीटर में ऐसा हो रहा है, तो कल मेरे को 600 किलोमीटर चलाना है। तो हो पाएगा या नहीं मेरे को डाउट है अभी, क्योंकि ऐसा नींद होने से तो मैं ऐसा नींद लगने से तो मैं चला ही नहीं सकती। और मैंने एनर्जी ड्रिंक जो मैंने पिया, रेडबुल भी ज़्यादा नहीं पी सकते, एक दिन में मर जाऊंगी मैं। एक रेडबुल तो मैं पहले ही मार चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम भी बहुत ज़्यादा नींद लग रहे थे। सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, घूर घूर के। जिंदगी ये है, लाइफ कुछ इस तरीके का चल रहा है मेरा अभी। और बहुत लॉन्ग जर्नी जाना बाकी है, अभी भी बहुत दूर जाना बाकी है। बस इतने में ही ऐसा हाल हो रहा है, तो सोचो और आगे क्या होने वाला है। जी भैया, क्या मेरा घर गुवाहाटी? जी बैग लेके आया। हाँ जी, कहाँ पर है? गुवाहाटी में ही है। ठीक है जी 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 जी, कैमरा लगाए, कपड़ा है, सामान है। हाँ क्या कश्मीर में? जी वो आज सुबह में निकल आया ना? हाँ सुबह निकल आया। तो जाते जाते कितना दिन? एक हफ्ता। एक हफ्ता जी। कहाँ पर रहते हो? गुवाहाटी में। तो सोने के लिए कोई? ओ होटल में। होटल में ना? जी अच्छा लगा ना, तुम्हारे तुम देखकर अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ओके, बाइक पे ऐसे चला के जा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक महीना हो गया, एक महीना क्या, दो महीना ही हो गया लगता है। मैं तो, मेरा तो नेपाल से बैक टू बैक राइड पे जाना था, नेपाल में ही एक महीना बीत गया, फिर गुवाहाटी में कुछ काम भी निकल गया, इसीलिए मैं घर चली गई। वरना अभी तक तो मैं राइड पे, राइड से वापस आती मैं कितना सारा जगह घूम के वापस आती मैं। अभी यही चाहिए, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा, रखने की जगह ही नहीं है, चलेगा। नहीं पानी है बैग में। थैंक यू। इतना मैं सिलीगुड़ी जाब लगे। আচ্ছা আচ্ছা, কত গৈ আছে? শিলিগুড়ি। থ্যাংক ইউ দে, স্প্রাইট দিয়া মেরে কো ডরা দিয়া, ইতনা চিল্লা কে এসে এসে রোক রহে মুঝে, ডর গই মে। উধর কাশ্মীর उधर ट्रैफिक के लिए रुक रहा है ना? हाँ मतलब बीच में पड़ गया ना, तो मैं सीधा आगे चला गया, बीच में नहीं रुक सकते। कश्मीर जाएगा जी, उधर बीच में पड़ गया ना लाइट के रास्ता के बीच, तो मैं आगे चला गया, फिर वापस भी नहीं जा सका ना, इसलिए। ठीक है, सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ गाइस, अभी अभी, ओ भाई साहब, यहाँ पे जो आप लोगों ने पुलिस वाले देखा ना, मुझे वेस्ट बंगाल पुलिस मुझे रोक लिया, क्योंकि मतलब वहाँ पे ऐसा हुआ ना, इससे आगे वाला ट्रैफिक पॉइंट जो था ना, वहाँ पे ये हुआ कि मतलब मैं जब बीच में पहुंची तभी मतलब ये रेड लाइट जल गया, ऑरेंज जल रहा था, ऑरेंज ऐसे लिप कर रहा था, जब मैं बीच में पहुंची तब ऑरेंज लिप कर रहा था। ठीक है, ऑरेंज पहले, सबसे पहले तो ऑरेंज जलता है, फिर उसके बाद ही रेड जलता है ना ट्रैफिक में। तो ऑरेंज, जब ऑरेंज जल रहा था, तब ऑरेंज लाइट जब जल रहा था, तब मैं पूरा रास्ता के बीच में हूँ, लाइक तो मैं कैसे रुकूं उधर, सीधा आगे निकल के चली गई थी। तो पुलिस वाले लोग इतना चिल्ला रहे थे और मुझे रोकने का कोशिश कर रहे थे, फिर भी मैं आगे चली गई। फिर यहाँ पे अभी दूसरा एक ट्रैफिक पॉइंट है ना, के बाद फोन में बात किया, फिर मेरे को जाने दिया। ये देखो पुलिस वालों का पावर देखो भाई, इधर से उधर कॉल कर देता है, हर जगह कॉल कनेक्शन है, कहीं से भी नहीं भाग सकते भाई। गाइज अभी मैं धूपगुड़ी पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे मैं होटल ढूंढ रही हूँ। आसमान देखो काला काला हो चुके, और अभी मैं ना होटल ढूंढ के घूम रही हूँ। उस साइड जाना है मुझे, राइट साइड जाना था, लेफ्ट साइड आ गई, और अभी लेफ्ट साइड में
उधर सीधा ये रास्ता मेन हाईवे क्रॉस करने से हमें मिलेगा होटल, और आई होप कि अच्छा वाला होटल मिल जाए। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ इतना होटल ढूंढते ढूंढते। यहाँ पे मुझे एक बस स्टैंड के बस स्टॉप के सामने मुझे एक गेस्ट हाउस मिला, और ये रहा मेरा आज का स्टे। ठीक ठाक है, उतना भी वो नहीं है, बस ठीक ठाक है, सो सकते हैं आराम से। और यहाँ पे आज मैं रहूँगी, और अभी ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से खिड़की खोल के। भाई लुक एट दिस, मैं बस बाइक अंदर लेके आ गई, इस होटल के अंदर लेके ही आई, बस लेके बच गई मैं। इतना ज़ोर की बारिश देना स्टार्ट हो गया, हर इतना हेवी बारिश दे रहे अभी, एक सेकंड के लिए बच गई मैं, भगवान को प्रे कर करके आई थी। तो अभी गाइस फ्रेश होते, फिर फ्रेश होके रेस्ट करते, मिलते हैं गाइस कल सुबह। बाय बाय, गुड नाइट।